भैया एक प्लेट देना। चाचा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, सबका फॉर्म आने में और पिच कंडीशन। कभी कभार लाइफ में हार मान लेनी पड़ती है, पर जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज इस दौरे की पहली जीत भारत को मिली है। दरअसल महीना बदला और शहर भी बदला, सिडनी से कैनबरा पहुंचे और भारत को आज तीसरे वनडे मैच में ये 13 रन की जीत मिली है। अभी इसे संजीवनी कहा जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि भले ही भारत ने इस फॉर्मेट को 1-2 से हारा, लेकिन परसों से शुरू हो रही T20 सीरीज में भारत को संजीवनी मिली, क्योंकि जब आप पहला मैच जीत जाते हैं, जीत से जीत निकलती है, जीत एक टॉनिक होता है। और आज खास बात यह रही कि भारत ने टॉस जीता। 302 रन शायद बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसे भारत ने डिफेंड किया। डिफेंड करने का मतलब है आपके गेंदबाज चमके। आज भारत ने 4 बदलाव किए थे टीम में, उनमें से 3 गेंदबाजी में थे। नटराजन, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, तीनों चमके। और नतीजा यह है कि भारत को आज ये कामयाबी मिली है। भले ही भारत ने इस फॉर्मेट को हार लिया है, लेकिन अब अगले फॉर्मेट की तैयारी जीत के साथ। मेरे साथ आज खास मेहमान है और ये मेहमान ऑस्ट्रेलिया से हैं, सिडनी से हैं, जहां पर क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं सनी भाई, सुनील गावस्कर। रात के 12:30 हो चुके हैं सिडनी में। सनी भाई ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज हुआ क्या। अब देखिए ना, 0-3 से हारना और 1-2 से हारने में एक जीत होती है, लेकिन फर्क इतना आ जाता है कि सामने वाली टीम ये सोचती है कि यार ये टीम यहां हारने के लिए नहीं आई। पहले 2 दिन के खेल में ये लग रहा था कि भारत जो है काफी पिछड़ा हुआ है। आप चेज कर रहे थे, लेकिन चेज कर नहीं पा रहे थे। आज आपने बोर्ड पर 302 रन लगाए सनी भाई, हालांकि 302 रन इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लग रहा था यार ये तो काफी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो 390 बना रहा है, आराम से चेज करेगा। आज जब जरूरत थी, आपको पहले 15 ओवर में विकेटें भी मिली हैं, और जब जब विकेट की जरूरत थी, आज भारत ने हर 15 मिनट वो जीते। देखिए, इंडिया टीम में 2-4 बदलाव भी हुए थे जिससे फर्क पड़ा, जैसे कि शार्दुल ठाकुर जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो उससे तो फर्क होता है। क्योंकि हमारी दिक्कत पहले 2 मैचेस में क्या प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए, और उन्होंने 390 रन बनाए थे, 350 रन बनाए थे, तो इस बार हमने 300 के अंदर 287 पर उनको ऑल आउट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले 2 मैचेस में हम उनकी पूरी टीम को आउट नहीं कर पाए, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऐसे बॉलर थे जिन्होंने विकेट ले ली, नटराजन उन्होंने भी अच्छा डेब्यू किया, उन्होंने भी 2 विकेट ले ली 70 रन देके, मतलब जो ये जो 3 जो बदलाव थे बॉलिंग में बदलाव थे उससे फर्क पड़ा। लेकिन सनी भाई ये है ना कि जो भी है, भले आप ये फॉर्मेट हार गए, 3 फॉर्मेट्स होने हैं टेस्ट मैचों में, शायद इतने ज्यादा बेहतर चांसेस हम नहीं कहेंगे, मुझे तो ये लगता था कि वनडे मैचेस भारत के लिए बेस्ट पॉसिबल चांस है, लेकिन ये जीत इस दौरे के लिए क्या कर सकती है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर ये भी मैच अगर हार जाते तो एक मोराल बनता है टीम का, वो एकदम नीचे हो जाता। तो जब जीत होती है टीम की, हाँ भले हम सीरीज हार गए, पर जब जीत हासिल करते हैं तो उसके बाद में हौसला बढ़ता है, एक एक तरह की एक टीम में एक एक मनोकामना बनती है कि हाँ हम और भी कर सकते हैं, हम हमारे पास एक काबिलियत है, हम इनको भले तीसरे गेम में उनको हरा दिया, पर हमारे पास वो काबिलियत है कि आगे जाकर हम अगर इसी तरह से हम बल्लेबाजी भी करें, इसी तरह से फील्डिंग करें, इसी तरह से हम बॉलिंग करें, तो फिर हम मैचेस जीत सकते हैं। फील्डिंग तो और ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आज भी 1-2 कैचेस चले गए डीप में, फील्डिंग में थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो वनडे और T20 की मैचेस होते हैं ना, वो उसपे हार जीत तो कुछ 2-4 रनों की बात होती है, आज तो 13 रन की बात होती है, पर T20 में और नजदीकी मामला होता है। वाकई में ये रन आउट था, उसके बाद जो मैक्सवेल का विकेट बुमराह ने लिया, वहां से मैच ऐसा पलटा कि फिर ऑस्ट्रेलिया रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन आज गेंद स्विंग भी हुआ है, भले वो शार्दुल ठाकुर हो, भले वो नटराजन हो, आज बुमराह का गेंद भी स्विंग हो रहा था, और यही एक कमी पिछले दोनों मैचों में थी। लेकिन फर्क कहां आया, वार्नर आज खेले नहीं और आपने स्टीव स्मिथ को जल्दी आउट कर लिया, अचानक से लगा यार ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना बड़ा पहाड़ तो है नहीं जो हम लोग सोच रहे थे। विराट भी ये मानते हैं कि ये जीत आगे चलकर टॉनिक का काम कर सकती है, हालांकि वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले फॉर्मेट भारत के लिए और ज्यादा मुश्किल होंगे। अब देखिए, जीत विराट की आंखों की चमक,
उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे बदल देती है। लेकिन एक वक्त सनी भाई ये लग रहा था 153/5 32 ओवर का खेल हो चुका है, ये भारत का आउटडेटेड खेल था ओडीआई में। अगर वो पार्टनरशिप ना होती हार्दिक और जडेजा के बीच तो आप 302 तक नहीं पहुंचते, आप 270 तक भी रह जाते तो आज भी हार थी भारत की। बहुत अच्छा लगा। एक तो दाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज की जब एक पार्टनरशिप बनती है तो बॉलिंग टीम को बहुत मुश्किलें खड़ी होती है, क्योंकि वो पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन बॉलिंग करे कौन सी लेंथ बॉलिंग करे। जो लेंथ हार्दिक पांड्या के लिए आप रोक सकते हैं डॉट बॉल बिंदी गेंद डालते हैं, वो जो लाइन और लेंथ है उस पर जडेजा छक्के मार रहे थे। और दोनों इतने जबरदस्त फिट है कि जिस तरह से उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की, मतलब एक को दो में बदला दिया, ये इसी से वो जो 10-15 रन जो जिससे फर्क हुआ वो उसी की वजह से, क्योंकि अगर वो एक ही रन लेते, दो रन नहीं लेते तो फिर ये 300 तक हम नहीं पहुंच पाते। और जिस तरह से उन्होंने एक दिखाई, जो मानसिकता दिखाई, उन्होंने सोच समझ कर बल्लेबाजी की। 40 ओवर तक उन्होंने एक दो बड़े शॉट खेलने का ज्यादा प्रयास नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि आखिरी 10 ओवर में वो बड़े शॉट खेल सकते। पूरी तरह से विकेट को आजमाया, पूरी तरह से देखा कि बॉलिंग भी थोड़ी सी थक गई है, और उसके बाद में उन्होंने अच्छी तरह से अटैक लॉन्च किया, और इसी की वजह से आखिरी क्या 5 ओवर में 60 या 70 रन टीम ने बनाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है विश्वास का खेल है, और हार्दिक पांड्या की एबिलिटी पर कभी सवाल नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे कि भारत का बैलेंस का क्या होगा, लेकिन वो विश्वास दिखा है, वो कॉन्फिडेंस दिखा है, और वो मैच्योरिटी दिखी है। शायद अगर आप एक्स फैक्टर की बात करेंगे, इस टीम में वो एक्स फैक्टर है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। लेकिन विराट के लिए ये साल बड़ा मिक्स साल रहा है सनी भाई, क्रिकेट नहीं हुई है मैं जानता हूं, लेकिन 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में इस साल में एक भी 100 नहीं लगाया है। इसी सीरीज में देखिए ना, दो बार उनको स्टार्ट मिला 50s किए, 100 नहीं आया। लेकिन भैया देखे, 10 महीने तक क्रिकेट नहीं थी, 10-11 महीने तक। फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस और वनडे हुए, उसके बाद में अब यहाँ पे मैचेस हुए हैं नवंबर में। तो अगर मैचेस बीच में हो जाते तो वो जरूर शतक लगाते थे, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए, हाँ शतक नहीं लगाया पर उन्होंने 5 या 7 50 के ऊपर रन बनाए। और क्योंकि एक जब कोई महान खिलाड़ी एक स्टैंडर्ड सेट करता है तो अपेक्षा वही होती कि उसी स्टैंडर्ड से वो खेलेंगे। अब टेनिस में देखें, जब फेडरर सेमीफाइनल में हार जाते तो उनके फैंस है वो निराश हो जाते, बोलते अरे यार चैंपियनशिप नहीं जीती। जब टाइगर वुड्स जो गोल्फ में है, वो भी अगर नंबर 4 या नंबर 5 पर उनका नंबर आता है तो लोग कहते नहीं यार वो ठीक नहीं खेले। और इसी यही हो रहा है कि विराट के साथ जो 90 कर रहे हैं, उन्होंने कल परसों उन्होंने 90 रन किए थे, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन जो है उन्होंने इतनी अच्छी ऊपर रखी है, यहां रखा है अपने फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है उसी की वजह से वैसा लगता है कि उनका सीजन या उनका साल अच्छा नहीं रहा। और उनके रन देखे, रन तो उन्होंने बहुत बनाए, हाँ शतक नहीं बनाए, पैमाने वाली बात आ जाती है, पैमाने वाली बात आ जाती। खैर अब सीधा यहां से आप परसों ही पहला T20 मुकाबला खेलेंगे और ये कैनबरा में खेला जाएगा, दोपहर 1:40 पे शुरू होगा। लेकिन आपको सारी की सारी तफसील जो है वो मिलती है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर जाकर फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिलियन में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, 5 मिलियन का ये यानी कि 50 लाख लोगों का परिवार है। और T20 सीरीज से पहले अगर 5 मिलियन हो जाए मजा आ जाएगा। लेकिन आज रात 8 बजे एजेंडा यही है कि इस जीत के बाद क्या T20 में भारत आगे चलता जाएगा, इस जीत के मायने T20 के लिहाज से क्या है। तो आपको रात 8 बजे आना है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा के। फिलहाल आज तक पर मुझे इजाजत दीजिए।